ध्यान दो। क्लास एट, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे घातांक और घात, जो सेशन 2023 से 24 के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम जो है क्लास एट का मैथ में चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं घातांक और घात, तो उसका देखेंगे, है ना। सबसे पहले फार्मूला जानेंगे, है ना। देखो a पर पावर m और a पर पावर n, है ना, ध्यान देना, ये बेस है, इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला जैसे a पर पावर m है तो इसको बोलते हैं बेस, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको जो बोलते हैं पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर। तो देखो बेस सेम है, बेस क्या है, अब पावर अलग अलग है, पावर क्या है, अलग, क्या है, भागन है, क्या है, भागा, तो इस प्रकार से जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तब पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ए पर पावर एम माइनस क्या हो जाएगा, एन। एग्जांपल भी हम लिए हैं समझाने के लिए कि दो पर पावर तेन और बट्टा दो पर पावर सात, है ना। बेस देखो सेम है, दो है ये भी दो है, लेकिन पावर देखो अलग अलग है, तो क्या घट जाएगा, है ना, भागम पावर, भागा में पावर क्या होता है, घटता है, घट गया हुआ, है ना, यहाँ ध्यान देना। आगे दूसरा, ए पर पावर यम और उस पर भी पावर एन है, ए पर पावर यम और उस पर भी पावर क्या है, एन है, तो ध्यान देना, ए भी पावर है, ए भी क्या है, पावर है, तो दोनों पावर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा। जैसे एग्जांपल हम लिए तीन पर पावर पांच और उस पर भी पावर दो है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, तो तीन पर पावर क्या बन जाएगा, दस। आगे देखेंगे तीसरा, a पर पावर m गुणे b पर पावर m, तो ध्यान देना बेस जो है अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन पावर जो दिख रहा है पावर सेम है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या होगा, दोनों जो बेस है हुआ, दोनों बेस गुणा हो जाएगा, दोनों बेस क्या हो जाएगा, गुणा, तो a b पर पावर m हो जाएगा, a b पर पावर क्या हो जाएगा, m, ध्यान देना इसको। तीन पर पावर पांच, जैसे एग्जांपल लिए हैं, जैसे तीन पर पावर पांच गुने चार पर पावर पांच, मैंने बेस बेस अलग अलग पावर सेम है, तो क्या आ जाएगा, बेस दोनों गुना हो जाएगा, तीन गुने चार और उस पर पावर पांच हो जाएगा, तीन चौक बारह बटा बारह पर पावर पांच हो जाएगा, कोई दिक्कत। चार नंबर देखेंगे बुआ, है ना, ए पर पावर यम बट्टा बी पर पावर यम, है ना, तो बेस देखना, बेस अलग अलग है लेकिन पावर देखो सेम है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसको जो है ए बटा बी पर पावर एम भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, ए इसको देखो हुआ, तो दो पर पावर तीन और चार पर पावर तीन, तो देखो बेस जो है क्या है हुआ, अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको क्या कर सकते हैं, दो बटा चार पर पावर तीन, माने दोनों के बदले एक पावर हम दे सकते हैं। अब देखो हुआ पांच नंबर, ए पर पावर जीरो उसका वैल्यू एक होता है, माने किसी भी संख्या पर पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू एक, जैसे माइनस दस पर पावर जीरो तो एक, है ना, माइनस दस पर पावर जीरो तो क्या होगा, एक, पांच पर पावर जीरो तो एक, ध्यान रखना है किसी भी संख्या पर पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू एक होगा। छह नंबर देखेंगे फॉर्मूला, ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर एन, माने बेस सेम है, पावर अलग अलग है, गुना है, गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है, तो ए पर पावर एम प्लस क्या हो जाएगा, एन, तो तीन पर पावर पांच गुणे तीन पर पावर छह, गुना में पावर जुटता है क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो तीन पर पावर पांच प्लस छह माने तीन पर पावर ग्यारह। देखो सात नंबर, ए पर पावर यम भागा ए पर पावर एन, मतलब बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और भागा है, क्या है, भागा, तब बेस सेम रहे पावर अलग अलग रहे तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है, भागा में पावर क्या होता है, घटता है, तो ए पर पावर यम माइनस क्या हो जाएगा, एन, तो दो पर पावर तीन भागा दो पर पावर पांच, मतलब कि दो पर पावर तीन माइनस क्या हो जाएगा, पांच, है ना, तो दो पर पावर माइनस टू क्या हो जाएगा, वो दो पर पावर माइनस टू। एक और हुआ, ए पर पावर माइनस एन है, ए पर पावर माइनस एन, यहाँ मतलब ध्यान देना कि बेस है ए और पावर माइनस एन है, अगर पावर माइनस में रहे, पावर माइनस में रहे तो उसको प्लस मिलाने के लिए, उसको प्लस मिलाने के लिए बस कुछ नहीं करना, एक बट्टा ए पर पावर एन, एक बट्टा ए पर पावर एन, मतलब एग्जांपल समझो, पांच पर पावर माइनस दो क्या है, पावर क्या चीज में है, माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए एक बट्टा पांच पर पावर दो, ये आपका आंसर।
इस प्रकार से तो देखेंगे जो है। इसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए,